सो वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी अभी जस्ट देख करके खत्म किया है 2-12। क्या ये मूवी आपको 2-12 देखने के लिए आमादा कर पाएगी, आमादा मीन्स मजबूर कर पाएगी क्या, इसी बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो स्टोरी की बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो स्टोरी है ना, ये एक ओरिजिनल फिल्म इसकी ऑलरेडी है जो कि नेटफ्लिक्स पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको हिंदी में भी देख सकते हो, जिसका नाम है मिराज। एंड ट्रस्ट मी, वो मूवी बहुत ही बड़ी सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई थी। और उसी मूवी को जो है फर्स्ट टाइम अनुराग कश्यप ने जो एक पहला देखा जाए अटेम्प्ट किया है रीमेक का, एक इंडियन अडॉप्शन का। लेकिन अब ये मूवी जो है आपको क्या ट्विस्ट एंड टर्न दे पाएगी, क्या वो मज़ा आपको आने वाला है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपने मिराज नहीं देखा है, अगर आपको नहीं पता है मिराज की स्टोरी क्या है, उसके ट्विस्ट एंड टर्न नहीं पता, उसका सस्पेंस आपको नहीं पता है, तो ये मूवी डेफिनेटली आपके लिए है और आपको डेफिनेटली दोबारा आने के लिए तो मजबूर कर देगी। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज अ गुड अटेम्प्ट और इसको जो है बहुत अच्छे तरह से रीमेक किया गया है। वैसे कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो इसमें भाई वो अकल दिखाई गई है और आपको पूरी तरह से इंगेज करके रखेगी। एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि स्टोरी क्या रहती है। स्टोरी में दिखाया जाता है कि एक नई फैमिली जो है वो आती है अपने एक नए घर में और वहाँ पे जो उनको एक पुरानी टीवी मिलती है। वो टीवी जो है अचानक से ऑन होता है और उसके अंदर में सेम लोकेशन सेम प्लेस सेम रूम के अंदर में एक बच्चा जो है उस टीवी के जरिए देख रहा होता है और वहीं पे जो है तापसी पन्नू इस चीज़ को देख करके शॉक्ड हो जाती है। अब इसके पीछे में एक इंसिडेंट रहता है जो कि 25 साल पुरानी कहानी रहती है, एक मर्डर मिस्ट्री रहता है। अब वो किस तरह से सॉल्व होता है और वो लड़का जो है वो किस तरह से मतलब आगे की कहानी में काम आने वाला है, क्या इन्वेस्टिगेशन होती है और लास्ट में ट्विस्ट क्या रहता है, ट्रस्ट मी ये आम सी कहानी नहीं है, बहुत ही हटके कहानी है, बहुत ही यूनिक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आपको देखना तो ज़रूर चाहिए। तापसी पन्नू की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो हमेशा जैसा परफॉर्मेंस देती है बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन कुछ अलग अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो अनुराग कश्यप के डायरेक्शन की वजह से है, क्योंकि अनुराग कश्यप ने जो है इनसे कुछ अलग लेवल पे काम करवाया है इस मूवी के अंदर में। यहीं पे जो आपको सपोर्टिंग कैरेक्टर दिखेंगे उसके बारे में अगर मैंने बात किया तो बहुत बड़ा स्पॉइलर रहेगा, तो स्पॉइलर मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ। तो आपको डायरेक्शन एकदम सा कड़क रहेगा। AK वर्सेस AK जो लास्ट मूवी थी अनुराग कश्यप की तरफ से जो कि OTT पे रिलीज की गई थी, जिसका कहानी था कि अनिल कपूर वर्सेस अनुराग कश्यप, और उन दोनों के बीच में जो है एक बहुत ही बड़ा थ्रिल दिखाया जाता है, बहुत ही बड़ा एक्शन पैक एक तरह का कॉन्टेंट था। और उसके फौरन बाद इसको अनाउंस किया गया था कि भाई दोबारा जो है लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि कुछ वही मूवी का उसी तरह का मतलब कुछ रहेगा जिसमें दिखाया जाएगा कि वो हैंडी कैम से जो है शूट कर रहे हैं पूरा आधा से ज़्यादा मूवी और बहुत ही रियलिस्टिक टच देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखा जाए तो एक फुल फ्लेज मूवी है और इसके अंदर में जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है, ज़रा भी नहीं पता है मिराज के बारे में, तो ये मूवी एकदम सा कड़क लगेगा आपको। अब देखो, एक चीज़ का डर है कि लोग ज़्यादातर आ नहीं रहे थिएटर में, लेकिन यार इस तरह की मूवी अगर रिलीज़ होती है, अगर आप इसको सपोर्ट करते हो रिलीज़ होने के बाद में, तो फिर से यार हिम्मत बनेगी मेकर्स के लिए कि हाँ भाई हम इस तरह की मूवीज़ भी ला सकते हैं। वरना अगर आप वही उछल कूद देखना चाहते हो, वही रिपीटेड चीज़ें देखना चाहते हो, तो जा करके देखो, आने वाले टाइम में आपको वही सारी चीज़ें फिर से देखने को मिलेगी। सो दैट वॉज माई रिएक्शन फॉर दिस कॉन्टेंट फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक? अगर आपने मूवी देखा तो आप बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लास्ट वीडियो वाला जो कांड है यार, प्लीज़ यार वीडियो पूरा देखो फिर कमेंट करो। ओके, बाय।